बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है उपलब्ध कांसबहारा में। कोरिया जिले के खड़गवा का एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम बता रहे हैं ग्राम पंचायत मुगम के कांसबहारा में खैरबहारा की। कांसबहारा कोरबा जिले के ग्राम पाली और कोरिया जिले के मुगम पंचायत के बीच में पड़ता है। दोनों ही ओर जाने के लिए सड़क नहीं है, सिर्फ पगडंडी रास्ता है, जहां के ग्रामीणों को अपने ही पंचायत एवं राशन दुकान में जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में समस्या और भी बढ़ जाती है। नदी में पानी पूरी तरह भरा रहता है और रास्ता भी बहुत खतरनाक हो जाता है। हर जगह कीचड़ रहता है। बरसात में 3 महीने तक नदी में ज्यादा पानी होने की वजह से यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और यहाँ के लोग राशन लेने के लिए राशन दुकान भी नहीं जा पाते। इस मोहल्ले में पानी की भी बहुत समस्या है। एक हैंडपंप था जो भी 2 सालों से खराब पड़ा है। नाले की पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर नाले से लाते हैं पानी। आपको बता दें कि इस मोहल्ले में सड़क ना होने की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो ग्रामीण को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कांसाबहारा में के ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय यहाँ नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, बाकी समय कोई नहीं आता। यहाँ के ग्रामीणों कई बार लोक सुराज में, शिविर में और कलेक्टर विधायक जो को भी आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। गांव वालों ने बताया है कि 2 साल पहले गोरा के समय श्रम एवं खेल मंत्री भैयालाल राजबाड़े यहां आए थे। तब उन्होंने ग्रामीणों को रोड एवं नाला बनने का आश्वासन भी दिया था। उसके बाद मंत्री जी के आदेश पे इंजीनियर देखने भी आया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शासन प्रशासन की अनदेखी हो रही है कांसबहारा के लोगों के साथ। कोरिया से चैनल इंडिया लाइव के लिए सुजीत शाह की स्पेशल रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल इंडिया लाइव।